बिजली कंपनी का निजीकरण होने के विरोध में विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों ने आज नारेबाजी कर सीएम के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अरे तो भाई वो मेरी प्रभात भाई से बात हुई थी, प्रभात भाई चले, अपने पास वो चीज व्यवस्था नहीं है मशीन। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। बिजली कर्मचारी संयुक्त मोर्चा लगाना घेराव करेंगे हमारा आंदोलन का रुपया लेकर के हमारे संगठन के साथ जो है आज कर्मचारी महासंघ के भी हैं, विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, विद्युत कर्मचारी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। ये तो हाथ में बड़ा होते आप लोग काम पे नहीं, काम पे हैं सर, चल रहा है सही काम। बस भाई आज विद्युत कंपनियों के निजीकरण का विरोध करते हुए विद्युत मंडल के 15 संगठनों द्वारा संयुक्त मोर्चा बना करके, जिसमें अधिकारी कर्मचारी सभी वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं, निजीकरण का विरोध करने जा रहे हैं। ये निजीकरण के विरोध का तीसरा चरण है। पहला चरण 5 फरवरी को विद्युत मंडल मुख्यालय का, जो कंपनी का मुख्यालय जबलपुर में शक्ति भवन का घेराव किया था, फिर 15 फरवरी को पश्चिम क्षेत्र के मुख्यालय इंदौर में पोलो ग्राउंड में भी निजीकरण को लेकर के विद्युत कर्मचारियों ने विरोध किया और अधिकारियों ने विरोध किया था। आज तीसरा चरण है जिसमें हम 3 सूत्री मांगों को लेकर के आज मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से देने जा रहे हैं। 2 बजे हमें ये ज्ञापन देना है। हमारी 3 सूत्री मांगे हैं। किसको ज्ञापन देंगे? हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन होगा उसको। मेरा नाम दशरथ जी। क्या समस्या? मेरी समस्या ये सभी की समस्या है, हम विद्युत कंपनियों का निजीकरण नहीं चाहते। निजीकरण पे एकदम रोक लगाई जाए और जो भी इसमें कर्मचारियों के हित जुड़े हुए हैं उन सभी हितों को सुरक्षित किया जाए। दूसरी बात ये है कि बिजली विभाग से केवल कर्मचारियों के हित नहीं जुड़े हुए हैं, आम पब्लिक के, आम जनता के हित भी जुड़े हुए हैं। आप कौन सा विभाग सोचते हो जो बिजली विभाग? अपनी समस्या बताओ, अपनी समस्या। हमारी समस्या यही है, कम शॉर्ट में बताओ पूरा। हाँ, कि बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होना चाहिए और इनको हम आखिरी अंतिम क्षण तक ले जाएंगे आंदोलन। ओके।